ना पिजड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वजू करे तो 3 मरतबा ना पिजाड़े, क्योंकि शैतान रात भर इसकी नाक के नथने में रात गुजारता है। जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है, बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। गाने सुनने का अजाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गाने वाले के पास बैठे कान लगा कर ध्यान से इससे सुने तो अल्लाह अज़्ज़ोजल बरोज़े क़यामत इसके कानों में शीशा उंडेलेगा। एक नौजवान बेटी ने अपने वाले से पूछा, भजन में बदन के कितने हिस्से का पर्दा पहूँ और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूँ। वालद ने जवाब दिया, बेटी बदन के जितने हिस्सा पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। एक आदमी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हवा इसको तू जानता हो या ना जानता हो।